दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप सीए को इनकम टैक्स की वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी अकाउंट, टैक्स, फाइनेंस, बैलेंस शीट, सीएमए डाटा, जीएसटी इत्यादि के बारे में। चलो दोस्तों, सीखते हैं कैसे आप सीए को ऐड कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जहां से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है अपनी आईडी से। इसको आपको कंटिन्यू एंड स्किप कर देना। उसके बाद आपको लॉगिन होने के बाद जब आप होम विंडो पे पहुंचोगे तो आपको माई अकाउंट में जाना है, और माई अकाउंट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई सीए ईआरआई का। जब आप उस पर क्लिक करते तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, माई चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड माई ई रिटर्न इंटरमीडिएट। मतलब आपको यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड का, और आपको यहाँ पे सीए को ऐड करने के लिए सबसे पहले उसे ऐड करना है, और यहाँ पे आपको उसका सीए की पूरी डिटेल डालनी है, जो भी उसका मेंबरशिप है, नंबर वगैरह है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको किसके लिए आपको वहां यहाँ पे किस फॉर्म के लिए आपको सीए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वैसे जैसे आपको नॉर्मली टैक्स ऑडिट के लिए 15 सीएसीबी के लिए यहाँ पे ऐड करना होता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी आप फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट ईयर कौन सा है उस असेसमेंट का, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों, जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, और ये वहाँ यहाँ पे आ जाएगा उसका पूरी डिटेल, आपका सीए मेंबरशिप नंबर किस फॉर्म के लिए आपने किया है और कब से वो एक्टिवेट है। अगर दोस्तों आपको रिमूव करना है तो आपको रिमूव करने के लिए सिंपल जिस भी फॉर्म के लिए आपने उस पर ऐड किया है उस पर आपको क्लिक करना है किस फॉर्म से आपको रिमूव करना है, और आपको यहां से रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका वो फॉर्म से सीए हट जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे सीए को ऐड कर सकते हैं और कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।